आज से कुछ साल पहले एक क्रेज चला था बड़े बड़े कानों का, और रंग बिरंगा बकरी जिसको सिरोही के नाम से हम लोग जानते थे, कुछ दिन आगे बढ़े फिर एक रंग बिरंगा बकरी दिखा जिसको हम लोग बरबरी के नाम से जानने लगे। तब तक हमारा उम्र जो है कि वीडियो बनाने का आ चुका था, और हमारे टीम के लोग भी आगे आ चुके थे अपने देसी ब्लैक बंगाल को बचाने के लिए। और उसका जो है कि नाम पे बहुत लोग ट्रेडिंग कर कर के, मतलब ओरिजिनल माल न दे के कई लोगों को जो है कि लूटा गया इसमें। लेकिन जब से अगर ब्लैक बंगाल का बकरी आया तो उसके बाद से जो है कि फिर नया एक वैरायटी आया बिहार में, जो वैरायटी तो बहुत पुराना है, कई देशों में पाला जाता है। और मांस के लिए अगर ब्लैक बंगाल को जाना जाता है तो बोर को भी जाना जाता है। इसलिए हम आज बात करने आए हैं बोर के बारे में, और बोर से अब जो नया सिस्टम आने वाला है बोर से क्रॉस करवा के ज़्यादा वजन लेने का। इसी बात को जानने के लिए हम आ गए हैं भोजपुर जिला, और भोजपुर जिला में हमारे साथ हैं एक युवा, इनके फार्म पे पहले भी आ चुके हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, हमारा नाम इंजमाम उलक है जी और आप लोग अभी यहाँ पे बघी गांव में हैं, जो कि बिल्कुल बनाई स्टेशन से सटे हुए हैं। जी और हमारा जो फार्म है वो बिल्कुल बनाई स्टेशन से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पे है। जी तो इसके लिए आपको कोई ऑटो कुछ भी रिक्शा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, आप बनाई स्टेशन उतरेंगे और आ जाएंगे। जी और एक दूसरा रास्ता है जो है, आप बाई रोड भी हमारे पास आ सकते हैं। बाई रोड हमारा 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है, मेन हाईवे नेशनल हाईवे जो है उससे भी आप आ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है ना बकरी फार्म जो है कि कई महीनों से चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर कि अभी कितना बकरी है यहाँ पे। यहाँ पे करीब करीब 40 से 45 बकरियाँ हैं, जी जिसमें ज़्यादातर बर्बरी है और 2-4 पीस हमने ब्लैक बंगाल रखा है उसमें। जी जी, इसमें ब्लैक बंगाल रखने का सबसे मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि ब्लैक बंगाल जैसे सब लोग जानते हैं किडिंग में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें बच्चा देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और हम चाह रहे थे कि ब्लैक बंगाल को प्रमोट किया जाए, इस बेसिस पर प्रमोट किया जाए क्योंकि उसका बच्चा देने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। और हमने उसके लिए बोर का ब्रीडर रखा है। बोर का ब्रीडर से हमारा फ़ायदा ये हुआ कि ब्लैक बंगाल का जो नॉर्मल खस्सी है या फिर जो भी उसका ग्रोथ है वो 30 से 35 के लिए 40 के जी मैक्सिमम जाता है, अगर जी नॉर्मल फीडिंग पर रखे तो, भराई पर खाने की नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मल अगर फीडिंग पर रखते हैं उसको तो 35 के जी 40 के जी इसका वेट गेन जाता है। जबकि हम वही अगर उसको बोर से करा देते हैं क्रॉस तो सीधे डबल हो जाता है, जी 60 के जी 70 के जी उसके बच्चे का ग्रोथ जाएगा। जी, अभी कितना बोर है सर आपके पास? हमारे पास तो अभी 5 बोर आया हुआ था जिसमें से 2 सेल आउट हो गया और 3 का कुछ एडवांस मिल जी चुका है, वो भी लोग कुछ दिन बाद आके ले जाएंगे। जी जी मतलब आपके फार्मिंग में जो है ब्रीडर के मामले में बोर खरीदना नहीं पड़ा, जो आ रहा है उसे क्रॉस करवा रहे हैं फिर बेच रहे हैं। नहीं, हमने अपने फार्म के लिए अलग से ब्रीडर रखा हुआ अच्छा है। वो 5 जो थे वो मतलब ऑलरेडी हमने मंगाया था सेल के लिए ही, कुछ जी लोगों का डिमांड आया था और कुछ लोगों ने एडवांस भी पेमेंट किया था, तो उसके लिए हमने बेचने के लिए लाया था। हमने फार्म के लिए तो अपना अलग ब्रीडर रखा था, जिसका आपने पिछली बार आए थे तो आपने वीडियो भी बनाया था। जी नया ब्रीड अभी चल रहा है और कई लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम भी एक्सपेरिमेंट जानने के लिए सदा से प्रयास रहता है कि जगह जगह जाएं कहाँ मिलेगा बोर, तो फिर आज मिल गया है आरा जिला में, सॉरी भोजपुर जिला में। और जो है कि यही जानने के लिए हम आए हैं कि क्रॉस करवा के अभी रिजल्ट निकला है कि नहीं, जी, बिल्कुल निकला, हमारे फार्म पे है उसका रिजल्ट है। किस चीज़ से करवाए बर्बरी थे? से हमने क्रॉस कराया था। अच्छा, जी, बर्बरी को क्रॉस करवाए बोर थे से। बोर से, जी, क्या रिजल्ट आया सर? बहुत अच्छा रिजल्ट था उसका, करीब 3 kg 700 ग्राम उसका जो मतलब जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन का वेट था, और उसके बाद से अभी करीब करीब 20 दिन से 1 महीना करीब होने जा रहा है हमारा, वो 8 kg से 9 kg अभी हो गया जी है। जी तो अभी जो है कि मान लीजिए कि बोर आया है दूसरे बकरी पे जो है कि क्रॉस हो रहा है, तो पहले भी होता ही आया होगा, जी तो इसमें आप एक चीज बताइए कि कैसे पता करें कि ओरिजिनल बोर है, उसका दो तीन तरह का कोई पहचान हो जो बता दें। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो इंडिया में पहली बार जब बोर आया था तो एक्चुअली बोर आया नहीं था, ठीक है जी ना, इसको शुरू से समझते हैं। हुआ क्या था कि मलहारी सर जो हैं उनसे हमको सारी जानकारी मिली, वो हैं वहाँ निमकर के, वो अभी निमकर क्या है? निमकर हम बहुत सुनते हैं। निमकर ये फार्म है, अच्छा गोट फार्म निमकर है, ये फार्म इंडिया है। का सबसे पहला बोर गोट फार्म है, ठीक है। अच्छा इंडिया में जो सबसे पहला बोर आया था वो एक्चुअली बोर नहीं आया था, वो बोर का सीमेन आया था अच्छा इंपोर्ट का, क्योंकि इंपोर्ट आता नहीं था, इंपोर्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, इंपोर्ट का प्राइस करीब करीब आपको 8 लाख 10 लाख का, अगर कोई अच्छा ब्रीडर लेते हैं साउथ जी अफ्रीका से अगर इंपोर्ट कराते हैं
तो आपका करीब करीब उसका प्राइस 8 से 10 लाख रुपए पड़ता है। तो उस वक्त जो आया था वो बोर का ब्रीडर ना आके सीमेन आया था, तो उसको इंडियन जो भी ब्रीड थी, सिरोही थी या फिर वहाँ की जो लोकल ब्रीड है जिसको उस्मानाबादी कहते हैं, उन लोगों में उन सब में सीमेन को डाला गया, और जिससे उसका रिजल्ट आया वो मतलब 4-5 जनरेशन के बाद हम सारे लोग जानते हैं कि ब्रीडिंग में अगर हम किसी अच्छे ब्रीडर का इस्तेमाल करते हैं तो 4 से 5 जनरेशन जाते जाते वो प्योर हो जाता है, ठीक है ना। तो हम किसी भी बकरी का चुनाव करें, अगर उसमें अगर किसी ब्रीडर का दूसरे प्रजाति का ब्रीडर हम इस्तेमाल करते हैं तो उस जो ब्रीडर की प्रजाति है 4 से 5 जनरेशन जाते जाते प्योर हो जाती है। तो हुआ यही था, सीमेन मंगाया गया बाहर साउथ अफ्रीका से और यहाँ पे इंडियन जो भी नस्ल थी उनमें उनको डाला गया, ठीक है। तो उनसे जो बच्चे हैं 4-5 जनरेशन में वो प्योर बोर हो गए, ठीक है ना। तो उन बोर की प्रजातियों को कहा जाता है इंडियन बोर, या उसका दूसरा नाम जो है वो निमकर बोर है। अच्छा, जैसा कि निमकर और इंडियन दोनों सेम ही है। जी जी, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी किसी काम पर रिसर्च करता है वो अपना नाम देता है ना। तो वैसे ही जब निमकर ने इस चीज़ पे रिसर्च किया, जब नया प्रजाति बनाया इंडियन ब्रीड से और बोर का क्रॉस करा के, तो उसको अपना नाम दिया निमकर बोर। तो उसी को कहते हैं निमकर बोर, वो जबकि प्योर है, 100% प्योर बोर होता है। और उसके साथ जब हम अगर जो अब इंपोर्ट आने लगा है, अब इंपोर्ट 2-3 साल से इंपोर्ट बोर आने लगा है यहाँ पे इंडिया में, तो हुआ क्या कि इंपोर्ट का जो क्वालिटी है, इंपोर्ट जो बोर आया वहाँ से साउथ अफ्रीका से, उसको इस इंडियन बोर से जिसको हम निमकर बोर भी कहते हैं उससे क्रॉस कराया गया, तो उसकी क्वालिटी और बेहतर हो गई, और बेहतर हो गई इस बनिस्बत में कि एक तो पहले वो बोर थी 100% प्योर हो गई थी, और उसके बाद से अगर इंपोर्ट का अगर उसमें सीमेंट डाला गया, इंपोर्ट से क्रॉस कराया गया, तो पहली बार में 60% जो उसका है, 60 से 70% जो है उसका क्वालिटी आ गया इंपोर्ट वाला। वो बोर तो है ही ऑलरेडी, बट इंपोर्ट का जो मतलब 7-8 लाख रुपए का ब्रीडर आता है उसकी क्वालिटी 60% आ गई इसमें, ठीक है। तो उसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद से फिर क्रॉस कराया गया इसको, जब उसका बच्चा हुआ फिर उसको दूसरे इंपोर्ट ब्रीडर से क्रॉस कराया गया, तो उसकी फिर क्वालिटी 80% आ गई, उसको सेकंड जनरेशन कहा जाता है। और उसके बाद से फिर जब उसका बच्चा हुआ फिर उसको इंपोर्ट से क्रॉस कराया गया, उसकी क्वालिटी करीब 90-95% आ गई, ठीक है। और 4-5 जनरेशन जाते जाते फिर आप समझ लें कि आप उसी प्राइस में जो इंडियन बोर हम आप खरीद रहे हैं उससे कुछ पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, उसी प्राइस में हम इंपोर्ट क्वालिटी की सुविधा उठाएंगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी है। मेरा जो है कि यही उम्मीद है कि इस टाइप का जानकारी अभी बिहार में न दिया होगा कोई। अब हम जानना चाहेंगे कि जो मान लीजिए यहाँ से जो आप सेल आउट करते हैं तो ऑर्डर पहले देना होता है कि खुद से आके पसंद करके ले जाते हैं लोग? नहीं नहीं, कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास जैसे कोई भी ब्रीडर है उसके लिए आपको कोई ऑर्डर नहीं देना है, आप आइए देख के और ले जाइए। मेन जो हमारा ऑर्डर होता है, मेन जो जिसके लिए एडवांस देना होता है वो फीमेल के लिए। अच्छा। फीमेल इसलिए एडवांस देना पड़ता है क्योंकि फीमेल का डिमांड उतना नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। हमारे तरफ उल्टा है, हम लोग बकरियाँ कम दाम में होता है, खसी महंगा बिकता है। बट वो उसके साथ क्या है कि अगर हम ब्रीडर अगर इसका जिस प्राइस का है उससे सीधे डबल प्राइस का लगभग, अगर मतलब कोई अगर एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये रेट नहीं होता है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर हम 40-50 हज़ार का अगर ब्रीडर लेते हैं तो आपको सीधे 60-70 हज़ार की फीमेल पड़ती है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग लेना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे किसान जो भी हैं बिहार के वो कुछ अभी जागरूक हुए हैं, तो उन्होंने कुछ डिमांड किया है हमसे कि फीमेल मंगाइए आप। तो मैंने सोचा कि अगर अभी कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, मेन अभी प्रॉब्लम चल रही है सबसे ज़्यादा कि जो पटना पुणे ट्रेन चलती थी वो अभी चल नहीं, उसमें डॉग बॉक्स नहीं आ रहा जी। उसमें जो जानवर लाने की सुविधा थी वो अभी ख़त्म कर दी गई है, तो ट्रक से मंगाना पड़ता है। तो ट्रक से जब भी कुछ बल्क में माल हो जाएगा तब तो आएगा, नहीं तो एक दो पीस तो नहीं आएगा। अभी मान लीजिए कि कोई आदमी चाहे आपसे गिर लें तो कितना दिन में वो आ जाता होगा ऑर्डर देने के बाद? 15 से 20 दिन। 20 दिन जी। और अभी आपके आसपास में कहीं पे बोर आया है कि नहीं? नहीं, आसपास में तो बहुत सारा बोर आया है, लेकिन वो जो क्वालिटी हमने देखी है, नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे किसान मित्र हैं, हमारे भाई हैं, बट उनकी क्वालिटी जो है ना वो या तो निमकर बोर की है या फिर फर्स्ट जनरेशन तक की, उससे ऊपर की नहीं क्वालिटी है। क्योंकि मैंने ग्रोथ भी देखा पहले, बहुत पहले उनका वीडियो भी बना था, अभी हाल फिलहाल भी अगर वीडियो बना उनका तो मैंने बोर की क्वालिटी देखी उनकी और बोर का ग्रोथ देखा, जैसे साफ जाहिर होता है कि मतलब इसका और नॉर्मल जो भी हमारे इंडियन ब्रीड हैं उनके ग्रोथ में कोई खास फर्क नहीं है। तो जब हम इतनी ज़्यादा रकम दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए और फिर हमको ग्रोथ भी उतना ही मिले तो फिर हम बोर लेके क्या करेंगे, है ना। जाहिर सी बात है हमारा किसान इस चीज़ में फंसना नहीं चाहेगा। तो हमारी जो क्वालिटी है वो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की है। लोग पहचाने कैसे कि ये जो है वो सेकेंड है? सबसे पहली चीज़ होती है इसका कुछ कुछ, जैसे हमारी बर्बरी है, इसका कान खड़ा होना चाहिए, पीछे बाल नहीं होने चाहिए, वैसे ही कुछ कुछ इसमें भी निशानी है, जैसे उसके पैर छोटे होते हैं। अच्छा। ज़्यादा लंबे कद के नहीं होते हैं, बोर जो प्रजाति है वो ज़्यादा लंबे कद की नहीं होती है, उसके पैर छोटे होते हैं, आगे से बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है उसका पैर, और उसके सींग जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे
अभी आप चलेंगे घर पे हमारे बोर दिखाएंगे, वो 4-5 महीने के बच्चे हैं लेकिन उनके सींग बहुत बड़े हैं जी, ठीक है। तो वो सींग बहुत बड़ा होता है, सींग हमेशा पीछे की तरफ रहेगा जी, ठीक है ना। और इसके कान भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये मतलब उसके अपना ब्लैक बंगाल जैसा दिखता है। जी जी, ब्लैक बंगाल की तरह उसके ये आते हैं। और इसके बॉडी पर मतलब आगे में सिर्फ गर्दन तक ब्राउन स्पॉट रहता है, उसके बाद से पूरा बॉडी वाइट रहता है जी। अभी नया जो है कि नया नया प्रमोशन लोग करना चाह रहे हैं जी। तो अभी लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में लोग जांच पड़ताल करेंगे और आगे खरीदने के लिए सोचेंगे तो उम्मीद है कि सब लोगों को जो है कि जानकारी अच्छा मिलेगा। और भी जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे नए फॉर्म पे, नए जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।